सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने टीवी पर, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। विजयदशमी पर्व के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। हरियाणा के बाद अब है झारखंड महाराष्ट्र की बारी। योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ का पूजन करने के साथ विजयदशमी शोभा यात्रा की करेंगे अगुवाई। आइए देखते खबरें विस्तार से। विजयदशमी पर्व के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी के देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्सपोस्ट पर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की। पीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट पर लिखा, देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के बाद अब है झारखंड महाराष्ट्र की बारी। भाजपा जो आमतौर पर फ्री फॉर ऑल की राजनीति से दूर रहती है, अब झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा की तरह बीजेपी अब झारखंड और महाराष्ट्र में भी कई लोक लुभावन वादे करने जा रही है। झारखंड में सत्ता में आने के लिए बीजेपी की योजना पंचप्रण और फ्री रेवड़ी के एजेंडे को लागू करना है। बीजेपी ने हरियाणा में बड़े बड़े वादे किए और सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही। यही बढ़ती अगली खबर क्यों। योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ का पूजन करने के साथ विजयदशमी शोभा यात्रा की करेंगे। विजयदशमी के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को शिवावतार गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे। उसके बाद सायंकाल गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में होगा, जहाँ गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रभु श्री राम का पूजन और राज्याभिषेक करेंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाइक ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देखते हैं, आप इस यूट्यूब फ्लैट भी दे सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक का से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच